नमस्कार, मैं आशुतोष राणा क्राइम पेट्रोल के इस नए अध्याय शातिर क्रिमिनल्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के समय में हम सब क्या करते हैं, जब हम डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट के लिए जाते हैं और वहां हमसे 10 मिनट वेट करने के लिए कहा जाता है, या जब हम अपनी ट्रेन या फ्लाइट का इंतजार कर रहे होते हैं, या फिर मूवी देखते समय जो 5 मिनट का इंटरवल होता है, ऐसे वक्त में हम सबसे पहले अपना फोन चेक करते हैं और उसमें भी सबसे पहले अपना सोशल मीडिया अकाउंट चेक करते हैं। आज के युग में ये एक तरह का कल्चर बन गया है जो अनजाने तरीके से हमें वल्चर बनाने के लिए प्रेरित करता है। हम दिन भर में कई बार सोशल मीडिया पर जाते हैं और अपनी व दूसरों की प्रोफाइल को बहुत बारीकी से चेक करते हैं। लत और लात का बड़ा नजदीकी रिश्ता है। कहा जाता है कि लत हमें लात के नीचे कुचलवा देती है, इसलिए लत बहुत बुरी होती है। तो क्या सोशल मीडिया की लत हमारी परेशानी का सबब बन सकती है? सेलिना, माय कॉफी। हाँ लाई। टिफिन रेडी है? हाँ। जल्दी करो, मुझे लेट हो रहा है। हाँ हाँ। मैसेज का क्या मतलब है? मुझे अर्जेंटली 2 लाख रुपए की जरूरत है, मेडिकल इमरजेंसी है। 2 लाख नहीं है मेरे पास। तो इंतजाम कर। लिसन, मेरे हस्बैंड अभी घर पे है, मैं बाद में फोन करती हूँ। जीसस, आई एम लेट नाउ। आई एम सॉरी। अब लिसन, अकाउंट डिपार्टमेंट से एक लड़का आएगा, गिब्सन, उससे पैसे ले लेना और सेफ्टी से रख देना, ठीक है? मैं बाद में चेक करूँ। गुड आफ्टरनून मैडम। मैम, ये बैग पीटर सर को दे दीजिएगा। ओके। थैंक यू मैम। मेरे पैसे चुराने की? सर, मैंने तुझे जॉब दिया, तुझे अच्छी सैलरी दी और तूने मुझे ही धोखा दिया। सर, मेरी बात सुनिए सर। सर, मैंने 5 लाख रुपए मैडम को ही दिए थे सर। जीसस, आर यू कॉलिंग माय वाइफ फॉर थिंग? नो सर। सच बता, पैसे कहाँ रखे हैं, वरना मैं अभी पुलिस को बुलाऊंगा। सर, आई स्वेयर ऑन गॉड सर, मैंने सर कुछ ऐसा नहीं किया सर। ही इज इनोसेंट। 2 लाख रुपए मैंने लिए थे। व्हाट? Peter, someone is blackmailing me. What? Peter, I'm sorry. I made a mistake. Please forgive me. I beg you, Peter. मैं एक जरूरी मीटिंग के लिए जा रहा हूँ, जब तक वापस आऊँ तब तक मुझे तुम या तुम्हारा कोई भी सामान दिखना नहीं चाहिए। Leave right now! दरवाजा लॉक नहीं है, मतलब कमीनी औरत घर पे ही है।
की रहा उसका नंबर। सलीना ने 2 दिन पहले इस आदमी को 2 लाख रुपए दिए थे। वो आदमी सलीना को ब्लैकमेल कर रहा था। सलीना ने बताया कि वो इस आदमी को सोशल मीडिया साइट पे मिली थी। ठीक है, ये नंबर की सारी इन्फॉर्मेशन निकालो और सोशल मीडिया साइट से उस आदमी का आईपी एड्रेस निकालो। हो सकता है सलीना की तरह और भी कोई विक्टिम हो। शिरके, इसके बारे में सबको पता होना चाहिए। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ब्लॉक। इस सुसाइड के पीछे जिसका हाथ है उस आदमी का पता चल गया है। ये सोशल मीडिया के थ्रू औरतों को फंसाता है और उन्हें ब्लैकमेल करता है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि और भी अगर सेलिना की तरह कोई पीड़िता हो तो प्लीज सामने आए, घबराए नहीं, हमारी मदद करे उस आदमी को पकड़ने। सर, जो नंबर हमें सेलिना के फोन से मिला था वो फेक आईडी से खरीदा गया था और जो फाइल उसे ट्रांसफर की गई है उस कंप्यूटर का आईपी एड्रेस भी न्यू पनवेल का है। हालांकि मैंने वहां की पुलिस को इन्फॉर्मेशन दे दी है। वेरी गुड शिरके। सर, ये रूही शेख है। सर, इनका कहना है कि इनके साथ भी सेम धोखाधड़ी हुई है। पूरी बात डिटेल में बताइए। सर, मेरे शौहर काम के सिलसिले में दिन भर घर से बाहर आकर के और मैं अपने खाली समय में सोशल मीडिया यूज करती थी सर, सब टाइम पास करने के लिए। एक दिन एक सोशल साइट पर मेरी दोस्ती एक शांतनु नाम के लड़के से हो गई। सर, हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे, काफी देर तक चैटिंग भी करते थे। एक दिन हम दोनों मिले और फिर एक के बाद एक चीजें आगे बढ़ती चली गई। फिर आप दोनों में फिजिकल रिलेशन हुआ। फिर उसने आपको आपत्तिजनक फोटोज और वीडियो दिखाए और आपको ब्लैकमेल करना शुरू किया। सही कहा मैंने? सर, मैं पहले ही उसे 1 लाख रुपए दे चुकी हूँ, अब वो 1 लाख रुपए की और मांग कर रहा है। सर, मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊंगी? मुझे बहुत डर लगता है। देखिए, आप घबराइए मत, आप एक फॉर्मल कंप्लेन लॉन्च करा दीजिए, हम कार्रवाई करेंगे। अगर मेरे शौहर को पता चल गया तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। सर, मेरी रूही जी, देखिए, जब तक आप एक फॉर्मल कंप्लेन लॉन्च नहीं करेंगी तब तक हम आपकी कोई मदद नहीं कर पाएंगे। आप ये सब अपने शौहर को बता क्यों नहीं देती? मुझे पूरा यकीन है वो आपकी मदद करेंगे कंप्लेन करने में। आज के बाद अपनी मनुष्य शक्ल मत दिखाना मुझे। अरे जाकिर मियां, क्या मसला है? जाकिर, कोई अपने बेगम के साथ ऐसे पैसा आता है क्या? बेगम? और ये जो हमारी बेगम है ना, वो किसी पराए मर्द के साथ सिर्फ सो कर नहीं आई है, अपने यार के ऊपर पैसे भी लुटा कर आई है। फोटोज और वीडियोज निकले हैं, अगर आपको चाहिए ना तो मैं शेयर कर देता हूँ। और ये जो हमारी बेगम है ना, इसने सारी बात जाकर पुलिस को बता दी है। इसके बाद तुम्हारा और मेरा कोई वास्ता नहीं है, समझी? तलाक, तलाक, तलाक। मेरे शौहर मुझे तलाक दे रहे हैं और ये सब आप लोगों की वजह से हुआ है। पूरे मोहल्ले के सामने उन्होंने मेरा तमाशा बना दिया। आप लोगों की वजह से अब मेरे सर पर छत भी नहीं है। मैं क्या करूं, कहां जाऊं, बोलिए क्या करूं? गलती हर इंसान से होती है, तुम्हारी बीवी से भी गलती हुई, उसे उस बात का पछतावा है। देखो, तुम उसके शोहर हो, उसे माफ करो। रूही के अनुसार उसने इसके पहले कभी भी तुम्हें शिकायत का मौका नहीं दिया। हो गया आपका बोल के। अब मुझे एक बात बताना, अगर आपकी बीवी किसी पराए मर्द के साथ सोकर आती तो क्या आप उसे वापस अपनी जिंदगी में लेते? वो फोटोज और वीडियोज देखने के बाद उसे पहले की तरह वापस अपनाते? क्या हो गया, बोलती बंद होगी तुम्हारी? देखिए, आप ऐसे बात नहीं कर सकते। तू क्या खड़ी है यहां पे, निकल। बताओ तो सही। आई बच्चा, बच्चा आई, ये देखो,
अरे देवा, ये कहाँ से आ गया? पता नहीं है, मैं पत्ते काटने के लिए आई तो मैंने इसको देखा। बाबा शायद से ये जिंदा है। हाँ, जल्दी से एम्बुलेंस बुला। अरे नहीं नहीं, ये पुलिस केस है, पुलिस को फोन लगाना पड़ेगा। हेलो, हाँ पुलिस स्टेशन। बच्चा कहाँ है? गॉड, तुम भी जल्दी से हॉस्पिटल लेके जाओ। अरे कोई कपड़ा है क्या? आप में से बच्चे को सबसे पहले किसने देखा? मैंने सर। आपका नाम? राधा बोरकर। बताइए। सर मैं पत्ते काट रही थी तो मेरी नजर वहां पे गई। ये बच्चा किसका हो सकता है, कोई आइडिया? नहीं सर। राधा, राजन ठीक है ना? ये कौन है? ये मेरे पति हैं, पुणे में जॉब करते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। राधा ने कॉल किया, काफी घबराई हुई थी, बच्चे के बारे में बताया। शादी को कितना समय हो गया? 2 साल। कोई बच्चे? नहीं। ये आपके आई बाबा है? नहीं सर, ये राधा के आई बाबा है। बाबा को पैरालिसिस का स्ट्रोक आया था, उसके बाद से हम इनके साथ ही रह रहे हैं इनकी देखभाल के लिए। ठीक है, तहकीकात चल रही है, फिर मुलाकात होगी। सर, हमें जो बच्चा मिला है वो प्रीमेच्योर बॉर्न हुआ है। प्रेगनेंसी सिर्फ 7 महीने की थी। बच्चे की हालत बहुत ख़राब है, लेकिन सर डॉक्टर्स पूरी कोशिश कर रहे हैं। और डॉक्टर्स का कहना है कि जिसने भी बेबी को डिलीवर किया है उसे डिलीवरी के बारे में कोई नॉलेज नहीं है। सर, मैंने आसपास के सभी हॉस्पिटल, क्लिनिक और गायनोकोलॉजिस्ट से पता किया है, किसी भी लेडी का बच्चा मिसिंग नहीं है सर। और जो लेडीज़ पिछले 1 साल में प्रेगनेंट हुई हैं, सबकी डिलीवरी शेड्यूल टाइम पर ही होनी है। कोई कैसे कहला सोसाइटी में बच्चा छोड़ के जा सकता है? ये तभी पॉसिबल है जब कोई लड़की अपनी प्रेगनेंसी अपने परिवार से छुपा रही हो और बच्चा छोड़ गई, या फिर कोई ऐसा जो पूरे सोसाइटी से वाकिफ है और उसे पता है कि यहाँ ज्यादा चहल पहल नहीं होती, वही बच्चा छोड़ सकता है। पर कौन? सीसीटीवी फुटेज का क्या हुआ? सर हमारी टीम फुटेज चेक कर रही है। मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए थे, मैंने तो तुरंत भागकर आई बाबा को बुला लिया, फिर बाबा ने पुलिस को कॉल किया। वो तो अच्छा हुआ सही समय पर राधा ने बच्चे को देख लिया, वरना थोड़ी भी देर होती ना तो बच्चा शायद बचता भी नहीं। बहुत बढ़िया राधा, तुमने तो कमाल कर दिया। अच्छा काम करना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। राधा, लास्ट टाइम जब तुम आई थी तब से काफी पतली लग रही हो। वैसे भी मैं अपने डाइट का बहुत ख्याल रखती हूँ, जंक फूड तो मैं बिल्कुल नहीं खाती और चाय भी नहीं पीती मैं। राधा, तुम भी पूर्वी को कुछ टिप्स दे दो ना, देखो कैसे वजन दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है उसका। मतलब मैं मोटी होती जा रही हूँ। ओके भाव, चलते हैं। हाँ ओके भाई। नहीं, ये त्रास अधुन मधु। क्या था ये? कहाँ थे? अरे वो तो मैं मजाक कर रहा था। अच्छा, उसके सामने मेरा मजाक उड़ाना पसंद है ना तुम्हें? सर, सोशल मीडिया केस में जिस शांतनु को हम ढूंढ रहे हैं, उसने अपने घर के रेंट एग्रीमेंट में एक फोटो का इस्तेमाल किया था, और यही फोटो उसने 2 साल पहले भी यूज किया, ये देखें। और अब ये फोटो हमें रूही के पास मिल रहा है। हो सकता है ये फोटो असली हो और नाम नकली हो। शिरके ये देखो, ये सारी फोटो मिलती जुलती है। ये देखो, ये आई थिंक औरतें कंफ्यूज हो गई और हमें कांटेक्ट नहीं किया। हो सकता है सर। वैसे इस बारे में मैंने मकान के मालिकों से भी बात की है, उन्हें जो डिटेल्स दी गई हैं वो सारी की सारी नकली हैं, उन्हें इस बारे में कुछ नहीं पता। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात है सर, ये शांतनु हर एक स्कैम के बाद अपना लैपटॉप चेंज कर देता है। पिछले 2 साल में इसने 15 से 20 लैपटॉप खरीदे हैं, और वो भी अलग अलग डीलर से। इंटरेस्टिंग, ये आदमी काफ़ी चालाक है। मतलब ये आदमी हर स्कैम के बाद अपना लैपटॉप बदलता है और साथ ही साथ इंटरनेट प्रोवाइडर भी, ताकि इसका आईपी एड्रेस ट्रैक ना हो सके। वेरी गुड सर के, वेरी गुड। मुझे इसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन चाहिए। राइट सर। सर,
हमने कैलाश सोसाइटी की सभी सीसीटीवी फुटेजेस चेक की, कल की और दो दिन पहले की, लेकिन सर सीसीटीवी फुटेज में वहाँ के लोकल निवासी, कर्मचारी और डिलीवरी बॉयज के अलावा कोई नया नजर नहीं आया। मतलब सोसाइटी में बाहर से कोई भी बच्चा डंप करने नहीं आया? नो सर, ऐसा लग तो नहीं रहा है। ये कैलाश सोसाइटी में कितने बंगले होंगे? लगभग 15 से 20। और 18 से 40 की एज में कितनी औरतें? सर शायद 25 से 30 औरतें होंगी। सबके डीएनए सैंपल लो और वो बच्चे से मैच करो। देखते हैं बच्चे का डीएनए सैंपल सोसाइटी में से किसके साथ मैच होता है। सर सोनल, रात को 8 बजे खाना तैयार रखना। 9 बजे ना सोसाइटी की मैनेजिंग कमेटी के साथ मीटिंग है। नरेंद्र भाई है ना, उनके पौधों का पानी सोहेल भाई के घर में जाता है। क्या है? जब देखो फोन पर। मेरा फोन दो। मैं कब से तुम्हारे साथ बात कर रहा हूं और तुम्हारा ध्यान ही नहीं है। अगर मैंने ना भी सुना हो ना तो भी मुझे पता है कि तुमने क्या कहा होगा, क्योंकि रोज दिन तुम वही बातें तो करते हो। तुम्हारे ऑफिस का काम, तुम्हारे सोसाइटी के मसले, सब कुछ तुम्हारे बारे में ही तो होता है। मेरे बारे में कब कौन सी बात करते हो? तुम्हें एक्चुअली शादी ना तुम्हारे धंधे से करनी चाहिए थी। सुबह निकल जाते हो, रात में घर आते हो, मुझसे तो बात करने तक का टाइम नहीं है तुम्हारे पास। इसलिए सॉरी टू से, लेकिन ये जो फोन है ना, इसे चाहे मेरा दोस्त कह लो या मेरी सहेली और शायद मेरा पति भी। बस हाँ, बहुत हुआ है, इसके बारे में रात में बात करेंगे। मारो मुखवास नो डब्बो क्या छे क्या अर्धो शोधू छू। अपने नॉटी फोटोज भेज रहा हूँ। अच्छा, मैंने तुम्हारा आज तक चेहरा भी नहीं देखा है और तुम्हें मेरे वैसे वाले फोटोज चाहिए। प्लीज जान, प्लीज भेज दो। कैसे लगे फोटोज? अब तो मुझे तुम्हें देख लेने दो ना। मैं भी तुमसे मिलने के लिए बहुत बेसब्र हूँ। मिलना चाहोगी? सर, मैंने कैलाश सोसाइटी की 18 से 40 साल की उम्र की 23 औरतों की डीएनए रिपोर्ट चेक की। उसमें से एक औरत ऐसी है जिसका डीएनए बच्चे के डीएनए से मैच कर रहा है। ये टेस्ट रिजल्ट ये गलत नहीं है और इसमें कोई शक नहीं है कि बच्चा आपका है। सर, आप लोग ये कैसी बातें कर रहे हैं? वो बच्चा तो मुझे मिला था। ये तो आप कह रही हैं, इस बात की कोई गवाही दे सकता है? एक मिनट साहब, बेबुनियाद के इल्जाम लगा रहे हैं आप मेरी बेटी पर। जब ये पेट से थी ही नहीं तो ये बच्चा इसका कैसे हो सकता है? ये तो अभी तक पता नहीं। ये भी हो सकता है कि आप इसके लिए झूठ बोल रहे हो। मैं क्यों झूठ बोलूं? अरे हम तो खुद अपनी नाती और नातू को देखने के लिए तरस रहे हैं। हम तो खुले दिल से उसका स्वागत करते। लेकिन कैसे लगे हे बगा सर, हे बगा, ये मेरी बेटी की फोटो है। ये 4 महीने पहले का फोटो, ये 2 महीने पहले का फोटो और ये 1 महीने पहले का फोटो है सर। ये आपको प्रेग्नेंट दिख रही है क्या? अगर वो 7-8 महीने की प्रेग्नेंट होती तो उसका पेट नहीं दिखाई देता क्या सर? राजन, तुम्हें क्या लगता है? लगना क्या है सर, राधा मेरी बीवी है। आप ही सोचिए, अगर वो प्रेग्नेंट होती तो क्या मुझे पता नहीं चलता? ठीक सर, के डीएनए टेस्ट के लिए इनका सैंपल ले। नहीं, मैं डीएनए टेस्ट नहीं कराऊंगा। क्यों? काफी समय से मेरे और राधा के बीच शारीरिक संबंध नहीं हुआ है। काम के सिलसिले में मैं पुणे रहता था, कभी आता भी था तो राधा मना कर देती थी। कभी उसके पीरियड्स चल रहे होते थे या कभी बॉडी पेन हो रहा होता था या थकी हुई होती थी, इसलिए करीबन 1 साल से हमारे बीच कुछ भी नहीं हुआ। तो डीएनए टेस्ट के लिए क्या तकलीफ हो रही है? डीएनए टेस्ट तो मैं नहीं कराऊंगा, और इतना कानून तो मैं भी जानता हूँ कि बिना कोर्ट के ऑर्डर्स के आप मुझे फोर्स नहीं कर सकते।
उसी कानून ने मुझे भी ताकत दी है कि मैं आप सब को इस शहर में रोक के रख सकूं जब तक ये केस सॉल्व नहीं हो जाता, क्योंकि आप सब शक के दायरे में हैं। मुझे इस पूरे परिवार की कुंडली चाहिए और खास कर उस राजन बोरकर की। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि इस राधा ने प्रेगनेंसी छुपाई कैसे। लैब को बोले एक बार टेस्ट वेरीफाई करें। यस सर। शांतनु। अरे आ गई तुम, आओ ना अंदर आओ। वो दरवाजा बंद कर देना। क्या हुआ, बहुत खुश लग रही हो? बात ही ऐसी है, ये देखो। लेकिन ये कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता, राधा के साथ कुछ भी हो सकता है। वैसे भी अपने आप को बड़ी हूर की परी समझती है ना वो, उसके साथ जो कुछ भी हुआ बहुत अच्छा हुआ। अरे चुप करो, बस करो। एक काम करो, अभी के अभी तैयार हो जाओ, हम लोग उनके घर पे जा रहे हैं। पता नहीं राजन और राधा पे क्या बीतरी होगी। सर, हमने पूरी कैलाश सोसाइटी, उनके पड़ोसियों और राधा के दोस्तों से भी बात की, लेकिन किसी को नहीं पता था कि राधा प्रेग्नेंट थी। किसी ने राधा का वजन पड़ते हुए नहीं देखा, कोई प्रेगनेंसी सिम्टम्स नहीं, वो हमेशा सबको नॉर्मली दिखती थी। हेलो, यस, थैंक यू सो मच। राजन का डीएनए सैंपल लेने की परमिशन मिल गई है। सर, इस राजन की कहानी तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये जॉब के लिए पुणे नहीं जाता है, बल्कि साइन में अपने दोस्त के साथ रहता है, नितिन पाटिल। राजन के फ़ोन रिकॉर्ड और लोकेशन रिकॉर्ड से नितिन का नंबर मिला, और जब मैंने राजन की कंपनी में इंक्वायरी की तो उन्होंने बताया कि राजन को उन्होंने एक साल पहले ही जॉब से निकाल दिया था। राजन ने घर पर झूठ बोला, और सर नितिन ने हमें बताया कि पिछले एक साल से वो छोटा मोटा काम करके घर का खर्चा चला रहा है, और इसीलिए वो पुणे जाने का नाटक करता है। वेरी गुड सर, वेरी गुड। मुझे लगा ही था ये सब इतना सिंपल नहीं है। सर, शांतनु ऑनलाइन एक्टिव हुआ है, उसने वो फोटो इस्तेमाल किए है जो रोही के केस में इस्तेमाल किए थे। उसका आईपी एड्रेस सर अपनी टीम ट्रैक कर रही है। वेरी गुड। अच्छा सुनो, मुझे रात को मैसेज या कॉल मत करना, मेरे हस्बैंड को शक होने लगा है। ठीक है बाबा, नहीं करूँगा। बाय। ठीक है, फाइल तैयार कर, मैं वक्तों नंतर। सर, हॉस्पिटल से फोन आया था, वो बच्चा He's no more. कोई इतना बेरहम कैसे हो सकता है? एक नवजात बच्चे को मरने के लिए छोड़ दिया। सर, राजन का डीएनए बच्चे के डीएनए से मैच होता है, वो बच्चा राजन और राधा का ही था। अब ये मर्डर केस है। राधा बोरकर, तुमने तुम्हारे बच्चे को लावारिस छोड़ा, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। क्या, बच्चा मर गया? जी हाँ, राजन के डीएनए टेस्ट से ये प्रूव हो चुका है कि ये बच्चा इन दोनों का ही है। राधा, हमारे साथ चलो। तुप्ती। एक एक मिनट सर, आप लोग हमें बिना बात के फंसा रहे, किसी दूसरे का पाप आप हमारे सर पे डाल रहे। अरे गलती हो गई मेरी बीवी से जो उस दिन उस बच्चे के बारे में आपको इन्फॉर्म कर दिया, इससे तो बेहतर होता किसी कूड़ेदान में फेंक देती। सायन को पूना बताने वाले, शांत रहा जरा। सर, आपका क्या मतलब है? सर, ये अपने भाई से पूछो कि ये अपना पूरा हफ्ता कहाँ बिताता है। जहां तक मैं जानता हूं, ये पूना तो नहीं जाता। क्यों राजन? अरे राजन काय म्हणताय ते? हाउ, जॉब छूट गई थी मेरी। सायन में मैं अपने दोस्त नितिन के साथ ही रहता था, वहीं छोटा मोटा काम करता था। बहुत टाइम से जॉब ढूंढ रहा हूं, अभी तक मिली नहीं है। क्या बोलता आप सबको? आई एम सॉरी, आपके परिवार को ये सब इस तरह बताना पड़ा। देखिए, पुलिस अपना काम पूरे ईमानदारी से करती है, और डीएनए टेस्ट से ये पता चल चुका है कि बच्चे के बाप तुम ही हो, तुम ही हो। तो अभी ठंडे दिमाग से सोचो कि राधा के साथ तुमने आखिरी बार संबंध कब बनाए। सर, मैंने आपको पहले ही बताया, एक साल पहले, शायद 8-9 महीने पहले। मतलब 8 महीने। राधा, क्या वो बच्चा हमारा था? तृप्ति, लेके चलो।
पुलिस को एक और झटका मिला जब पुलिस ने राधा का सोशल मीडिया अकाउंट चेक किया। तब पुलिस को पता चला कि राधा की दोस्ती पिछले 6 महीने से एक आदमी के साथ हुई, वो आदमी जिसका नाम शांतनु था। ये पुलिस के लिए खतरे की घंटी थी। क्या ये वही शांतनु है जो पिछले 6 महीने से अधिक समय से नहीं मिल रहा है? क्या उसने ही राधा के साथ धोखा किया है? सर मैं और क्या करती, राजन हफ्ते भर बाहर रहता था, मुझे अकेलापन महसूस होता था। फिर एक दिन मुझे सोशल साइट पे एक लड़के की फ्रेंड रिक्वेस्ट आई तो मैंने एक्सेप्ट कर ली। मैं शांतनु के साथ बातें करने लगी थी और फिर कुछ ही समय में मुझे उससे प्यार हो गया था। इतना प्यार कि मैं उसके साथ भाग जाना चाहती थी, एक नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहती थी। लेकिन तभी मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ। मुझे बच्चा नहीं चाहिए था सर, और मैं किसी को कुछ बता भी नहीं सकती थी, और अबॉर्शन तो मैं करवा भी नहीं सकती थी, क्योंकि अगर मैं जाती तो अथॉरिटीज के पास मेरा नाम चला जाता। इसलिए मैंने तय किया कि मैं किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगी, और जब बच्चा पैदा हो जाएगा तो उसको मैं कहीं फेंक दूंगी। और मेरा पेट ना दिखे इसलिए मैं साड़ी के नीचे कपड़ा बांधती थी, बॉडी सूट पहनती थी। लेकिन 9 तारीख रात को जब आई पापा एक फंक्शन में गए और राजन भी पूना गया था, तब कूड़ेदान में फेंक दिया। फिर अगले दिन आई सर, एक मिनट, एक गुमनाम फोन आया था। वो आदमी बोल रहा है कि वो राजन का दोस्त है और राजन को राधा के अफेयर के बारे में पता था। इस बात को लेके दोनों में झगड़ा होता था। तो राजन लगे हुए नहीं सर? हाँ सर, एक दिन मुझे एक अननोन नंबर से कॉल आया था। उसने कहा मेरी वाइफ किसी मॉल में एक आदमी से मिलने वाली। तुम्हारा दिमाग खराब है राजन, मेरा अफेयर? राजन सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ। अच्छा, अगर ऐसा है तो तू आज रात मॉल में किससे मिलने जा रही है? किसी से नहीं, मैं सच बोल रही हूँ। बेटा देखो, बेटा शायद तुम्हारे साथ किसी ने मजाक किया है, राधा ऐसा नहीं कर सकती। बेटा तो क्या राधा उस दिन मॉल गई थी? नहीं सर, उसके बाद कभी हमने इस बारे में बात भी नहीं की। मैं राधा से बहुत प्यार करता हूँ, मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकता कि वो अपनी प्रेगनेंसी के बारे में मुझसे छुपाएगी, बल्कि उसे ऐसे ही छोड़ देगी, एक ऐसे इंसान के बारे में सोचते हुए जिसे कभी उसने देखा भी नहीं था। इन सब चक्करों के चक्कर में मैंने अपना बच्चा खो दिया। शेर के इतना सब सुनने के बाद ताज़ी हवा की सख्त ज़रूरत थी। हाँ सर, वैसे जब हम राजन को इंटरोगेट कर रहे थे तब सर राधा के फ़ोन की रिपोर्ट आई थी। राधा के फ़ोन में ना तो कोई अश्लील वीडियो है, ना ही कोई अश्लील फोटो, जैसा कि सेलिना के फ़ोन में मिला था, और ना ही कोई ऐसा वीडियो डिलीट किया गया। मतलब राधा को कोई ब्लैकमेल नहीं कर रहा था? लेकिन ये शांतनु तो पहले दोस्ती करता है, फिर प्यार मोहब्बत का नाटक करके ब्लैकमेल करके पैसे लेके भाग जाता है। ये राधा के लिए हृदय परिवर्तन कैसे हो गया इसका? सर वही तो समझ, शांतनु को ट्रैक कर लिया। उसके आईपी एड्रेस के मुताबिक उसने एमजी रोड पर अभी एक फ्लैट किराए पे लिया है, और सर इस वक्त वो दौलत नगर की रहने वाली सोनल कपाड़िया को अपने जाल में फंसा रहा है। वेरी गुड, अब 2 टीम बनाओ और दोनों जगहों को सर्विलेंस पे रखो। शांतनु को आज रंगे हाथ पकड़ते हैं। राइट सर। सुनो, मुझे 2 लाख रुपए की बहुत जरूरत है, कुछ मेडिकल इमरजेंसी है, प्लीज पैसे अरेंज करवा दो। मेरे पास 2 लाख रुपए नहीं है, लेकिन हुआ क्या है? वो सब मैं तुम्हें मिलकर बताऊंगा। हाँ भी प्लीज, मुझे पैसों की जरूरत है। देखो तुम्हारे अलावा मेरा कोई और है भी नहीं है, तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लेना,
मैं तुम्हें जल्द से जल्द पैसे वापस कर दूंगा। लेकिन शांतनु, अगर मेरे पास होते तो तुम्हें मैं मना क्यों करती? मेरे पास नहीं है। सोनल, मैं अभी फोन रखती हूँ। सोनल, क्या कर रही हो? अरे बराड़ा पाड़ी रोशू क्या रहो? बाथरूम में से चिल्ला रहा हूँ, कब से टॉवल भूल गया था। मैंने संभाला ही नहीं वो फोन। फिर से फोन ककड़ाच। सोनल निकल चुकी है। वो सोनल से ही मिलने जा रहा है। सर मेरे हिसाब से मीटिंग पांचाल पार्क में होने वाली है। तुम दोनों मुझे लोकेशन भेजो, मैं वहीं पहुंचता हूं। तुम ये ठीक नहीं कर रहे हो शांतनु। देखिए आप घबराइए मत, इसने क्या क्या किया हम सब जानते हैं। आप थाने में आकर एक फॉर्मल कंप्लेन कर देना, आपका नाम बाहर नहीं आएगा। सलीना सुसाइड केस में बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। आज पुलिस ने शांतनु को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है, जब वो किसी और औरत को ब्लैकमेलिंग का शिकार बना रहा था। बने रहिए हमारे साथ, इस केस से जुड़ी सभी डेवलपमेंट सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे। शांतनु दास गुप्ता, बता कितनी? 20-25 के आसपास। अरे कितनी औरतों को ठगा तूने, ये तुझे याद भी नहीं है? वो याद करने लायक थी भी नहीं ना। तूने सिर्फ औरतों को ब्लैकमेल नहीं किया है, वो सेलिना ने तेरी वजह से सुसाइड किया, तू कल्प्रिट है। सुसाइड करने की क्या जरूरत थी? शादी के बाद थोड़ी बहुत चीटिंग तो चलती है ना। अरे अरे तूने वो राधा बोरकर के साथ अभी तक ऐसा कुछ क्यों नहीं किया? मैं किसी राधा बोरकर को नहीं जानता। अच्छा, अरे मैं नहीं जा, याद नहीं है राधा बोरकर 22 साल शादीशुदा। 22 साल? फिर तो मैं वाकई में नहीं जानता, क्योंकि मेरा टारगेट सिर्फ 35 से 40 साल की औरतों पर होता है, जो सेक्सुअली एक्टिव होती हैं लेकिन अकेली और तन्हा होती हैं। अरे लेकिन वो राधा बोरकर जिस सोशल मीडिया साइट पर शांतनु से बात कर रही थी ना, उस पर तेरा फोटो था। अरे मुझे नहीं मालूम कि मेरे फोटो वहाँ पे कैसे पहुँचा, और मैं सच बता रहा हूँ मैं किसी राधा बोरकर को नहीं जानता हूँ। सर जिस समय राधा शांतनु के टच में थी, उस समय शांतनु दासगुप्ता के फोन की लोकेशन और आईपी एड्रेस कहीं और का है, लेकिन राधा जिस शांतनु से बात कर रही थी उस समय उसका आईपी एड्रेस पवन बाग के साइबर कैफे का है, और राधा के मुताबिक उसने शांतनु से कभी मुलाकात नहीं की, उसे ऑनलाइन ही उससे प्यार हो गया। अच्छा, तभी राधा के कोई फोटोज और वीडियो नहीं मिले। लेकिन अगर ये शांतनु दासगुप्ता सच बोल रहा है, मतलब कोई दूसरा शांतनु है जो राधा को फंसा रहा है इसकी फोटो इस्तेमाल करके। हो सकता है सर, लेकिन सर इस शांतनु ने पिछले 15 से 20 दिन में कोई एक्टिविटी नहीं। ओके शिरके, ये साइबर कैफे में जाओ और ये जो कोई भी दूसरा शांतनु है उसकी फुटेज निकालो। सर एक औरत की डेड बॉडी मिली है। पूर्वी बोरकर राजन की भाभी, आसपास का एरिया चेक कर जाओ। सर सर किसी धारदार हथियार से वार किया गया है, और सर ये क्राइम सीन नहीं है, यहाँ आसपास कहीं भी ब्लड के ट्रेसेस नहीं है। सर लगता है मर्डर के बाद बॉडी को यहाँ पे डंप किया गया है। सेक्सुअल असॉल्ट? नो सर, सेक्सुअल असॉल्ट के कोई ट्रेसेस नहीं है। ठीक है,
बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। यहाँ एरिया में सीसीटीवी कैमरास? सर दोनों साइड 5 किलोमीटर तक कोई भी सीसीटीवी कैमरा नहीं है। अभी कातिल ने जगह चुनी है बॉडी डंप करने के लिए, इसके पति को जाके मिलना पड़ेगा। कुठे निकाला का? मैं पूर्वी को ढूंढने निकला था सर, मतलब वो कब से मार्केट गई है अब तक लौटी नहीं है। कब से मैं उसका फोन भी ट्राई कर रहा हूँ लेकिन स्विच ऑफ आ रहा है सर। मिस्टर मयंक, पूर्वी का खून हो गया। मिस्टर मयंक सांभा स्वताला, पूर्वी की डेड बॉडी हमें जंगल में मिली। उसको कोई क्यों मारेगा सर? पूर्वी की किसी से दुश्मनी, झगड़ा वगैरह? पूर्वी के डेड बॉडी के पास हमें उसका पर्स, मोबाइल कुछ नहीं मिला। क्या वो यहाँ हो सकता है? नहीं सर, वो अपने साथ लेकर गई थी, इसलिए तो मैं उसको फोन ट्राई कर रहा था सर। हमें फिर भी एक बार घर की तलाशी लेनी होगी। चेक करो तृप्ति, साइबर टीम को बुलाओ और पूर्वी का सोशल मीडिया अकाउंट चेक करवाओ। यस सर। सर, पूर्वी के घर में कुछ भी सस्पिशियस नहीं मिला, लेकिन साइबर टीम ने बताया है कि पूर्वी ने थोड़ी देर पहले राधा वाले शांतनु को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी है। और शांतनु का आईपी एड्रेस? सर टीम उस पर काम कर रही है। दूसरा शांतनु कौन है? वो साइबर कैफे के फुटेज का क्या हुआ? सर उसे चेक कर रहे हैं। कुछ मिला? नहीं सर, अभी तक तो नहीं। ये देखो। एक ये गोल्फ कैप वाला आदमी, ये पहले भी दिखा था ना? ओके। ये जूम करो। शिरके, ये मोबाइल कवर कहाँ देखा, याद आया? नहीं सर। ओके सर, लास्ट आईपी एड्रेस मिल गया है, जब ये अकाउंट आखिरी बार इस्तेमाल हुआ था अकाउंट डिलीट करने के लिए। टाइम? सर 3 PM। पूर्वी की डेड बॉडी भी उसी समय मिली थी ना? लोकेशन क्या? ये लोकेशन मैंने जहां ये मोबाइल कवर देखा है उस लोकेशन से मैच होती है। सर पता चला मेरे पूर्वी को किसने मारा? क्यों, तुम्हें नहीं पता? अरे सर ये क्या बदतमीजी है, मैंने तो सिर्फ आपसे इतना पूछा कि पूर्वी को किसने मारा। पूर्वी को उसने मारा जिसके मोबाइल का कवर ये। इसका आईपी एड्रेस और तेरे घर का लोकेशन मैच होता है। इस मोबाइल की आखिरी लोकेशन जंगल की है जहां पूर्वी की डेड बॉडी डंप की गई। अभी तक गेस कर लिया होगा किसने मारा पूर्वी को? बोल पट पट। बता दो, सारी मेरी ही गलती है, मैंने तो सिर्फ राधा के साथ मजाक करने का सोचा था। बहुत घमंडी थी वो, हर वक्त मेरी पूर्वी का मजाक उड़ाया करती थी, उसे ताने मारा करती थी। उसने तो मजाक में इतना तक कह डाला था कि हमारी शादी को 5 साल हो गए फिर भी हमारा कोई बच्चा नहीं है। सॉरी भाभी, ये ना बंगलो नंबर 7 वाली अनिता के बच्चे के लिए गिफ्ट था, आपको गलती से आ गया। आपका गिफ्ट तो ये रहा, इसमें ना 101 तरीके हैं बच्चे पैदा करने के लिए। इसीलिए मैं हमेशा से उसे सबक सिखाना चाहता था, लेकिन क्या करूं कैसे करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और फिर अचानक एक दिन मैंने अखबार में शांतनु के बारे में पढ़ा, जिसमें उसकी फोटो भी छपी थी। बस ये आइडिया मुझे वहीं से मिला। तो इसलिए तुमने शांतनु का फोटो इस्तेमाल करके नकली आईडी बनाई और राधा को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी? हाँ, लेकिन जब राधा ने भी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की तो मैं शॉक हो गया था। हम लोग घंटों ऑनलाइन चैट किया करते थे, राधा को फेक आईडी वाले शांतनु से प्यार होने लगा था,
बिना मिले बिना जाने वो शांतनु के साथ भाग जाना चाहती थी, और इसी बात का खुलासा मैं राजन के सामने करना चाहता था, जो उसे अंधों की तरह प्यार करता था। और इसीलिए जब राधा ने मॉल में शांतनु से मिलने का प्लान बनाया तो मैंने राजन को कॉल कर दिया। वो कॉल तूने किया था? हाँ। हेलो राजन, आज शाम को तुम्हारी बीवी अपने आशिक के साथ मॉल में मिलने वाली है, अगर उसे रंगे हाथ पकड़ना चाहते हो तो जल्दी अक्षय मॉल पहुंच जाओ। लेकिन राधा वहां आई ही नहीं, और पिछले कुछ हफ्तों से राधा बहुत उतावली हो गई थी, उसे हर हाल में शांतनु के साथ रहना था। इसलिए जब राधा ने मुझे बताया कि वो प्रेग्नेंट है तो मैं शॉक हो गया था, क्योंकि इसके बारे में हमारे फैमिली में से किसी को कुछ नहीं पता था। राधा ने तो यहां तक कह डाला था कि वो बच्चे को अबॉर्ट करेगी और मेरे साथ भाग जाएगी। खोटा बोलो रुको, राधा ने बताया था कि उसने शांत, मतलब तुझे कुछ नहीं बताया? आओ सर, सांगितलं होतं, बताया था उसने मुझे। मुझे तो यही बात समझ में नहीं आई कि वो प्रेग्नेंट कब हुई, क्योंकि हम तो उसे रेगुलरली मिला करते थे, वो एकदम नॉर्मल दिखती थी। मैंने सोचा कुछ वक्त इंतजार करूंगा और फिर पूरी दुनिया के सामने उसको एक्सपोज करूंगा, लेकिन उसके पहले ही उसकी प्रीमैच्योर डिलीवरी हो गई और सारा सच सबके सामने आ गया। राधा को तो पता भी नहीं था कि वो जो फेक आईडी थी शांतनु की, उसके पीछे मैं हूं। मैंने हर सावधानी बरती थी, लेकिन पता आज। मयंक सुनो ना, मुझे तिवारी सर का नंबर चाहिए था, इनवाइट करना है उन्हें। मयंक, क्या हुआ? मैंने ही भेजी है रिक्वेस्ट, तुम ही शांतनु हो ना? राधा के साथ तुम ही चैट कर रहे थे। अरे नहीं पूरी अफेयर चल रहा है ना तुम्हारा राधा के साथ। अरे नहीं मैंने कैसे नजरअंदाज कर दिया, इसलिए तो तुम हमेशा उसकी तरफदारी करते रहते थे। अरे नहीं, मैं तो बस वो मजाक के तौर पे। मैं पुलिस के पास जा रही हूँ, सब कुछ बता दूंगी उन्हें। अरे पूर्वी देखो, तुम ऐसे कुछ भी नहीं करने वाली। उसे बच्चा अबॉर्ट करने के लिए तुमने कहा था, मतलब वो बच्चा भी तुम्हारा है ना, इसलिए तो उसका डीएनए। मैं बता दूंगी पुलिस को सब कुछ। अभी पूरी सुनो। अरे ऐसी कोई बात नहीं, सुनो, बैठो यहाँ पर, मैं तुमको सब बता। जिंदगी बर्बाद कर दी तुमने मेरी। कुछ बर्बाद नहीं किया है। सुन ना मुझे। क्या फायदा हो रही है सब करके? तूने तेरी जिंदगी तो बर्बाद कर ही दी और साथ ही साथ राधा और राजन की भी कर दी, अब पूरी जिंदगी जेल में सड़। सोशल मीडिया का उपयोग करते हुए सतर्क रहें और हर किसी से दोस्ती ना करें। जैसे हम और आप अपने घर में हर किसी को आने नहीं देते, वैसे ही सोशल मीडिया भी हमारा आभासी घर है। किसी अजनबी को अपने ऑनलाइन जीवन में आने ना दें, इससे ना सिर्फ शारीरिक बल्कि मानसिक जीवन को भी खतरा हो सकता है। बाबा जी की जय, बाबा जी की जय, डिवाइन बाबा की जय। अरे बाबा बड़े प्यारे, बाबा बड़े न्यारे, बाबा की महिमा से बनते काम सा। हो बाबा बड़े प्यारे, बाबा बड़े। रुकिए, क्या बात है इंस्पेक्टर साहब? हमें लाश को पोस्टमार्टम के लिए लेके जाना है, हमें शक है कि इनका मर्डर किया गया है। ये क्या बोल रहे हैं आप? बाबा जी समाधि में हैं और जल्दी ही समाधि से बाहर आएंगे। बोलो बाबा जी की जय। पिछले एक महीने से यही नाटक चल रहा है यहाँ, लेकिन अब पोस्टमार्टम होगा। देखिए, अगर किसी ने भी बाबा जी को हाथ लगाने की कोशिश की ना तो ठीक नहीं होगा। हमें अपना काम करने दीजिए, हमारे पास वारंट है, हटिए यहाँ से। बाबा जी की बाबा जी की, डिवाइन बाबा की। नमस्कार,
मैं आशुतोष राणा क्राइम पेट्रोल सतर्क की शातिर क्रिमिनल श्रृंखला में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। एकता में बहुत ताकत होती है, लेकिन लोगों का एक बड़ा समूह अगर किसी गलत बात के समर्थन के लिए एकजुट हो जाए तो अक्सर न्याय की बलि चढ़ जाती है। ऐसा ही यहां दिखाई दे रहा था। एक मृत पुरुष के लिए कहा जा रहा था कि वो जीवित हो उठेगा। भाई कैसे? जो उगया सो अंत वै, फुलिया सो कुम्हलाई, जो चिनिया सो डही पड़ा, जो आया सो जाई। सदैव कोई नहीं रहता यहां, सबको जाना ही पड़ता है। लेकिन हां, विचार कभी नहीं मरते, किंतु विचार और विकार में बहुत बारीक अंतर होता है। जहां अच्छे विचार जीवन को सुगम बना देते हैं, वहीं अपने विकार को विचार के नाम से प्रस्तुत करने वाले लोग जीवन में विध्वंस मचा देते हैं। ये अपराध एक शैतानी सोच का साइड इफेक्ट है, और दिल्ली जैसे मेट्रो सिटी की एक हाई प्रोफाइल हाउसिंग सोसाइटी ऐसे गुनाह की साक्षी बनी जिसकी कल्पना उस पॉश एरिया में रहने वाले लोगों ने कभी भी नहीं की थी। विक्टिम्स की फहरिस्त सिर्फ एक दो नहीं, बल्कि इसका क्रम बहुत लंबा होता जा रहा था, और अपराधी इतने शातिर थे कि इस केस का पैमाना हर मोड़ पे और भी बड़ा होता जा रहा था। As we all know, हमारी कंपनी डाउनफॉल फेस कर रही है, सारे इन्वेस्टर्स भी पीछे हटते जा रहे हैं। गाइस, ये डू और डाई सिचुएशन है। हमें इस नए कुछ नहीं हो सकता इस कंपनी में मेरे बगैर। अरे जिंदगी दी है मैंने इस कंपनी को, और आप लोग मुझे ऐसे इग्नोर कर रहे हैं। एक मिनट, तुमने कुछ भी नहीं दिया इस कंपनी को, बल्कि सब कुछ छीना है। आई टोल्ड यू टू रिजाइन। अच्छा, तब तुम्हें मेरी जरूरत ही नहीं, तब तो तुम रातें भी भूल गई होगी जो हमने साथ गुजारी। प्रधान चुप, चिल्लाओ मत। पता चलना चाहिए इस कंपनी को, तुम्हारे पति को, कि हम दोनों के बीच में क्या रिलेशंस थे, कितने करीब थे हम लोग। अरे चुप करने से मेरी आवाज। अरे क्या पत्नी के बारे में कुछ भी बोले जा रहा है? जो बोल रहा हूं मैं सच बोल रहा हूं। पंकज से बाहर कर। अरे सच बाहर कर, मैं सच बोल रहा हूं। मैं देख लूंगा तुम लोगों का। बाहर निकलो, मैं अज्ञान निकल यहां से। सृष्टि, लुक इनटू माय आईज, सी आई ट्रस्ट यू, आई लव यू यार। लेकिन कुछ उसने सारे एम्प्लॉयज के सामने मुझे, आई विल नॉट लीव हिम, मैं उसे ऐसी मौत दूंगा कि कुछ तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। हम लोग पहले इतने स्ट्रेस में और ओके रिलैक्स, वो बस कुछ समय मेरे मुंह से निकल गया। मैं ऐसा कुछ, तुम्हें काम करो, तुम घर जाके आराम करो। नहीं कुछ, ये आराम करने का टाइम नहीं, हमें हमारी कंपनी को फिर से खड़ा करना पड़ेगा। मैं जरा टेंडर वाली फाइल देख लेता हूं। प्रिया, मैंने तुम्हें मुझे फोन करने से मना किया था ना। देख, ऐसी नाराजगी नहीं चलेगी, तू अपने दोस्तों को इग्नोर नहीं कर सकती। मुझे तुम लोगों से कोई मतलब नहीं है। फिर वही बात। देख, आज शाम को ना मैं पूरे ग्रुप को लेकर तेरे घर पर आ रही हूँ। प्रिया, तू इतनी चेप क्यों हो रही है? देख, हम तो आ रहे हैं, तुझे भगाना है तो भगा देना। ओके? अरे इन द नेम ऑफ इक्वालिटी, आखिर पत्थर पिघल ही गया। yeah. पूरे 6 महीने के बाद मिल रहे हम सब लोग। बिल्कुल सही बात है। और सिद्धार्थ तो खड़ा गया यार। गिटार उठाना, गिटार यार, क्रम सॉन्ग। अरे नहीं यार, चल यार, हर वीकेंड पे मिला करते थे, और अब वही सिलसिला फिर से शुरू करना है। एक मिनट, हाथ पकड़ा है, गला मत पकड़ो। अगर तुम लोगों के कहने पे मैं पुरानी बातें भूल भी जाती हूँ तो भी ये सिलसिला अब आगे नहीं बढ़ सकता। मान लो कि ये हमारी आखिरी मुलाकात है, और एक अच्छे नोट पे मैं ये दोस्ती खत्म करना चाहती हूँ। अरे पर लाइट को क्या हुआ यार? देख, तेरी बात ऊपर वाले को भी पसंद नहीं है, लाइट चली गई यार।
बाहर तो सबकी लाइट आ रही है। हाँ? अच्छा? एक मिनट मैं स्विच बोर्ड देख कर आती हूँ, ठीक है? हाँ, 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 हाँ। देव तुम यहाँ? अरे शिल्पी, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज, दो साल बाद मिल रहा हूँ ना तुमसे। हाँ, मैं दो साल से मुंबई में हूँ, लेकिन तुम यहाँ कैसे? अच्छा बैठो, इधर आओ। ये समझ लो कि मैं भी अपनी किस्मत आजमाने आ गया है यहाँ पे। अच्छा तो तुम स्ट्रगल कर रहे हो ना, तो ये बैग्स के साथ स्ट्रगल कर रहे हो ऐसा? स्ट्रगल तो तब शुरू होगा ना जब घर मिलेगा। एक्चुअली एक दोस्त के थ्रू मुझे एक ब्रोकर का नंबर मिला, तो मैंने एडवांस देके पीजी भी बुक कर लिया, लेकिन आज जब मुंबई आया तो पता चला कि वो जो पोजेशन है 2 दिन बाद मिलेगा, तो ये 2 दिन किसी होटल में रह लूंगा मैं। लेकिन तुम्हें होटल में क्यों रहना है, मेरा फ्लैट है, तुम आराम से रह सकते हो चिल मार के। नहीं नहीं, रहने तो तुम्हें दिक्कत होगी। नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, और वैसे भी मेरी रूममेट अभी बाहर गई हुई है, तो तुम आराम से रह सकते हो। हाँ, उसको बैलेंस करने के लिए काम करते हैं, कॉफी पी के चलते हैं, बिल तुम पे कर देना। तुम ना बदली नहीं है। सर, मेन स्विच बंद किया हुआ था। घर का मेन स्विच ऑफ है? यस सर। तो क्या कातिल ने घर में दाखिल होने से पहले घर की लाइट बंद की, उसके बाद घर में दाखिल हुआ, और मकसद क्या था? लूट और कत्ल। बंसी को बुलाओ और सब जगह सर्च करो। हाँ साहब, मैं ही बंसी हूँ, मैंने ही आपको फोन किया था, मैं यही काम करता हूँ साहब। कल रात को सिस्टी मैम और उनके दोस्तों को यहाँ पार्टी हो रही थी, सुबह आया तो सृष्टि कौन सी? वो सर सफेद कपड़े वाली जो है। और बाकी लोग कौन है? बाकी लोगों को मैं नहीं जानता साहब, मुझे तो सिस्टी मैम ने शाम को फोन किया था पार्टी का इंतजाम करने के लिए। बंसी एक काम करो, शाम को मेरे कुछ फ्रेंड्स आ रहे पार्टी के लिए, तो तुम स्नैक्स ड्रिंक्स और डिनर रेडी रखना। मैडम, आपके और साहब के अलावा कितने लोगों को खाना बनाना है? 6 लोगों के हिसाब से अरेंजमेंट कर दो। कुछ साहब ही सिस्टी मैम के हस्बैंड है, मैंने उनका भी फोन किया है, बस वो आते ही होंगे साहब। अच्छा कल रात तुम घर क्यों गए थे? हर रोज रात को घर चले जाते हो या सिर्फ कल रात घर गए? साहब मैं शाम को डेली घर चला जाता हूँ। ये गाड़ी किसकी? साहब ये सिस्टी मैम की है। और दूसरी? दूसरी वाली शायद उनकी दोस्तों की होगी साहब। तुम पक्का नहीं पता? नहीं साहब, मैं कुछ नहीं जानता। ठीक है, पता करो दूसरी गाड़ी किसकी। सुन, कैश और गहने तो ऐसे ही रखे हैं सर, और विक्टिम के मोबाइल फोन्स भी यहीं पर हैं, तो क्या क्रिमिनल का मकसद सिर्फ ये मर्डर करना होगा? राजवीर, 5-5 कत्ल हुए हैं, और वो भी बहुत ब्रूटल, तो मुमकिन है कि कातिल एक नहीं बल्कि एक से ज्यादा हो। पर सवाल ये है कि घर में जो भी कातिल दाखिल हुआ उसकी इनमें से किसी एक से रंजिश थी, वो किसी एक को कत्ल करना चाहता था, या फिर उसकी रंजिश इन पांचों से थी और इन पांचों को कत्ल करने के इरादे से घर में दाखिल हुआ। 6 लोगों का डिनर तैयार करने के लिए कहा था, पर यहाँ पे 5 लाशें, तो मतलब कोई छठा गेस्ट भी था जो आने वाला था पर आया नहीं। आखिर पता करो वो छठा गेस्ट कौन था, और सृष्टि के अलावा पता करो ये बाकी 4 लोग कौन। ओके सर। सर ये सब कैसे हो गया? मेरी वाइफ को सर। हमें आपके घर में आपकी बीवी के साथ 4 लोगों की और लाशें मिली, ये वो 4 लोग हैं। ये तो मेरे वाइफ के कॉलेज टाइम के दोस्त हैं, लेकिन ये लोग मेरे घर में। आपके सर्वेंट के मुताबिक ये लोग आपके घर में आपकी बीवी के साथ घर में पार्टी कर रहे थे। सर मुझे इस बारे में कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि मैं अपने बिजनेस ट्रिप के लिए चंडीगढ़ चला गया था,
और फिर मेरी वाइफ ने तो इन लोगों के साथ मिलना जुलना बंद कर दिया था, फिर ये पार्टी कैसे? ऐसी क्या वजह थी जो आपकी बीवी ने इनसे मिलना जुलना बंद कर दिया? सर, दे ऑल यूज्ड टू टेक ड्रग्स एंड ऑल, और मेरी वाइफ ड्रग्स नहीं लेती, इसलिए उसे इन लोगों की कंपनी पसंद नहीं थी। अच्छा, आपके सर्वेंट के मुताबिक एक और गेस्ट था जो घर में आने वाला था आपकी बीवी के फ्रेंड सर्कल में, वो गेस्ट कौन होगा? आई हैव नो आइडिया सर। अच्छा, आपको इन चारों के नाम तो पता होंगे, कौन है ये लोग? जी। और ये लोग कहाँ रहते हैं, इनकी फैमिलीज? सर, इन लोगों के एड्रेस के बारे में तो मुझे कोई आइडिया नहीं है, लेकिन कमल मेरे घर से कुछ ही दूर पर रहता है तो उसका एड्रेस मुझे पता है। हाँ पापा, मुंबई पहुँच गया मैं। हाँ, वो पीजी मिलने के लिए एक दो दिन और लगेंगे। हाँ, अभी होटल में रुका हूँ। हाँ पापा, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ ना। हाँ होटल? हाँ पापा से झूठ, क्यों नहीं बताया उन्हें कि तुम मेरे साथ रुके हो? पापा को ये बोलता ना कि मैं लड़की के साथ रुका हूँ तो कानपुर वापस बुला लेते मुझे। तुम ये बताओ तुम्हारा कैसे चल रहा है? मेरा ये भाड़े का घर, ये दीवारें देख के समझ नहीं आ रहा तुम्हें कि मेरा स्ट्रगल चल रहा है? बस छोटे मोटे रोल मिल जाते हैं तो कर लेती हूँ। सो थैंक गॉड कि तुम एक्टर नहीं हो, वरना मैं तुम्हें यही सजेस्ट करती कि बिना स्ट्रगल के वापस चले जाओ, क्योंकि इस बड़े से शहर में हम छोटे शहर वालों का कोई काम नहीं है। क्या यार, काम शुरू होने से पहले तुम मुझे डिमोटिवेट कर रही हो। अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये क्या, इतनी सारी बुक्स? ओ हाँ, तुम तो स्क्रिप्ट राइटर हो ना, तो तुमने कोई मूवी के लिए स्क्रिप्ट लिखी है? अगर लिखी है ना तो मेरे पास डायरेक्टर और प्रोड्यूसर दोनों है, मैं तुम्हारी कल ही मीटिंग करवा सकती हूँ। लेकिन हाँ, उस मूवी की एक्ट्रेस मैं ही रहूंगी। मैं ना स्क्रिप्ट राइटर नहीं हूँ, सॉन्ग राइटर हूँ, गाने लिखता हूँ। तो उसके लिए तुम्हें म्यूजिक डायरेक्टर से मिलना पड़ेगा। कोई बात नहीं, मैं अपने सोर्सेस लगाऊंगी ना, कुछ ना कुछ जुगाड़ हो ही जाएगा। पक्का? पक्का मिल जाएगा ना कोई? हाँ हाँ मिल जाएगा, जुगाड़ कर लेंगे। जी, ये कार इसी एड्रेस पे रजिस्टर्ड है। तो सिद्धार्थ और प्रिया के घर में छानबीन करो, शायद वहाँ से हमें प्रिया के नेटिव एड्रेस का पता चले। और कुछ के मुताबिक सृष्टि की अपने दोस्तों से कुछ खास बनती नहीं थी, इन दोस्तों के आपसी रिश्ते के बारे में पता करो। और वो गेस्ट जो साथ आने वाला था लेकिन पार्टी में आया नहीं, उसके बारे में पता करो। ओके सर। और आज भी सृष्टि बिजनेस करती थी, उसके ऑफिस में पूछताछ करो। ठीक है सर। सर, पहले भी उस गौरव की वजह से उन लोगों ने मेरे पति को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। किन लोगों ने? सर, वो गौरव एक नंबर का अय्याश और जुआरी है, वो सट्टा खेलता था, उसके सट्टे के पैसे वसूल करने के लिए उन लोगों ने मेरे पति को। क्या बदतमीजी है ये? कहाँ है दोस्त गौरव? कहाँ? कहाँ? मुझे क्या पता गौरव कहाँ है? अबे तुझे नहीं मालूम था? किसे मालूम है? उस दिन तू आया था उसके साथ, पूरे 16 लाख रुपए बकाया गौरव पे मेरे, पता कहाँ है वो? पता? वो आदमी कौन था जिसने कमल के साथ मारपीट की थी? सर, मैं उनके बारे में नहीं जानती, लेकिन गौरव की वजह से। देखिए, ये बताइए, जब आपके पति रात को घर नहीं लौटे तो आपको फिक्र नहीं? आपने कॉल करके जानने की कोशिश नहीं की वो कहाँ हैं, कैसे हैं? एक्चुअली मैं अपनी मम्मी के घर चली गई थी और आज सुबह ही लौटी हूँ। आपके पति के फ्रेंड सर्कल में और कौन कौन से दोस्त हैं? सर, मुझे इनके अलावा किसी और के बारे में कुछ नहीं मालूम। मेरा बेटा और सट्टा नहीं सर। देखिए, कमल की बीवी ज्योत्सना का कहना है कि आपका बेटा गौरव, अब आप तो माँ हैं, जाहिर सी बात है आपको इस बारे में पता ही होगा। नहीं सर, मेरे बेटे को किसी का कोई पैसा नहीं देना था। कमल की बीवी झूठ बोल रही है सर, उल्टा कमल को मेरे बेटे के पैसे देने थे जो कमल ने गौरव से उधार ले रखे थे। मुझे मेरा पैसा चाहिए, 2 दिन की मोहलत और दे रहा हूँ, ठीक है? उल्टा मेरे बेटे को लगता था कि कमल की बीवी सट्टा खेलती थी, कमल खुद अपनी बीवी से परेशान था सर। गौरव की माँ तो कुछ और ही कह रही है। गौरव की माँ कह रही है कि कमल की बीवी ज्योत्सना सट्टा खेलती थी। और बैंक स्टेटमेंट चेक करो और सभी दोस्तों के कॉल रिकॉर्ड भी चेक करो, क्या उनमें कोई ऐसा नंबर मिलता है जो कत्ल वाली रात
सृष्टि के घर के आसपास एक्टिव था। ओके सर। बोलो राजवीर। सर मैंने ऑफिस में इंक्वायरी की तो पता चला कि यहाँ सृष्टि और प्रदा नाम के एक आदमी के बीच काफी बवाल हुआ था, और जब ये बवाल हुआ था तब सृष्टि का हस्बैंड यहीं था ऑफिस में। सर मैं खुद आपको प्रधान के बारे में बताना चाहता था, लेकिन लेकिन बताया नहीं क्यों? क्योंकि आपका शक था कि आपकी बीवी का प्रधान के साथ अफेयर है। अरे नहीं सर, मुझे अपनी बीवी पर पूरा भरोसा था। मैं जानता था कि प्रधान जानबूझकर हम दोनों के बीच में गलतफहमी पैदा कर रहा है, इसकी वजह से हम थोड़े परेशान थे। सर दरअसल बात यह थी कि प्रधान ने हमारी कंपनी के नाम पर एक पोंजी स्कीम लॉन्च की हुई थी, और उसमें हमें इन्वेस्टर्स के पैसे वापस करने पड़े तो हमें बहुत लॉस हो गया था। आपको भले ही अपनी बीवी पर भरोसा होगा, पर लगता है कि शायद उन्हें आप पर पूरा भरोसा नहीं था, इसलिए तो उन्होंने अपने दोस्तों के साथ जो पार्टी की उस बारे में आपको नहीं बताया, या शायद आपको बताया पर आप हमें नहीं बताया। क्यों, कहीं ऐसा तो नहीं कि उन सबके कत्ल के पीछे आपका? आप ये क्या कह रहे हैं? I loved my wife, sir. मैं अपनी बीवी से प्यार करता था, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ सर? कत्ल वाली रात इसकी जरा एक्टिविटी चेक करो। ये चंडीगढ़ जाने की बात कह रहा था, हो सकता है ये इसकी कुछ चाल हो अपनी अलाइवी को स्ट्रॉन्ग करने की। और राजवीर ये भी चेक करो, इसकी बीवी और प्रधान के बीच में वाकई अफेयर था या महज अफवाह थी? वैसे मैंने प्रधान को थाने बुलवा लिया सर। गुड। बोलो वर्मा। एक काम करो, पीछे वाली खिड़की से देखो क्या कर। जैन सर। जैन सर, हम सिद्धार्थ के घर पर आए तो पता पड़ा कि यहाँ पर ताला लगा हुआ था और ये गाड़ी यहाँ पर खड़ी थी। ये सर इस पर खून के धब्बे हैं। मुमकिन है यहाँ भी कोई कांड हुआ। राजू गाड़ी को अच्छे से चेक करो। ओके सर। ताला तोड़वा सर। चेक करो सर। चेक। सर अंदर चेक करो। गाड़ी पे खून के धब्बे हैं सर। गाड़ी में कुछ खास तो मिला नहीं, गाड़ी के पेपर्स मिले। तो ये गाड़ी सिद्धार्थ के नाम पे रजिस्टर्ड है। सिद्धार्थ की बॉडी हमें मिली श्रेष्ठ के घर पर चार और लोगों के साथ, और यहाँ उसकी गाड़ी पर खून के धब्बे हैं। आखिर ये चक्कर क्या है? सर हो सकता है ये गाड़ी हमें यहाँ कंफ्यूज करने के लिए खड़ी की गई हो। ये गाड़ी उस छठे गेस्ट की हो, उसने जानबूझ के यहाँ छोड़ी हो। मुमकिन है। फॉरेंसिक को बोला, इस गाड़ी पे जो ब्लड स्टेन्स हैं और क्राइम सीन से जो ब्लड मिला है दोनों को मैच करवा के देखो, और ये भी चेक करो कि इस गाड़ी पर उन पांचों विक्टिम्स के अलावा किसी और के फिंगरप्रिंट्स हैं क्या। ओके सर। सर यहाँ प्रिया की तो कोई आईडी नहीं मिली है, ना ही कोई ऐसा डॉक्यूमेंट मिला है जिससे पता चले कि उसका नेटिव एड्रेस क्या है, लेकिन ये सिद्धार्थ का आईडी ज़रूर मिला है। और सर अंदर दो लैपटॉप भी मिले। कस्टडी में लो, देखो क्या मिलता है उनमें। सर बोलो। सर प्रधान पूछताछ के लिए 2 बजे थाने आने वाला था और वो आया नहीं अभी तक, और उसका फोन भी बंद आ रहा है सर। एक काम करो उसके घर पर जाके चेक करो। ओके सर। जी जाएंगे हम तेरी वफा। एक मिनट एक मिनट, ये सारे गाने तुम्हारे लिखे हुए हैं? जी सर। सर अगर आप मुझे एक ट्यून दे दोगे ना सर, सर उसमें भी मैं गाना लिख सकता हूँ। तुम्हें किसने कहा कि मैं अपनी ट्यून पर तुम्हें गाना लिखने को दूंगा? देखो भाई, ये वफा, प्यार, मोहब्बत, जी जाएंगे, सनम, बेवफा, ये सब आउटडेटेड हो चुका है। उठाओ से और निकलो। सर सिद्धार्थ की कार पे जो ब्लड मिला है इससे वो क्लियर नहीं है, हो सकता है वो मिटाया गया, और विक्टिम्स की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ड्रग्स। तो मतलब कुछ की बात सही थी कि सृष्टि के दोस्त ड्रग्स लेते थे, इसलिए सृष्टि ने अपने दोस्तों से दूरी बनाई हुई थी, और वो जो वसूली करने आया था जिसके बारे में हमें कमल की दीदी ज्योत्सना ने बताया था उसके बारे में कुछ पता चला? नहीं सर, फिलहाल कमल और गौरव के CDR में ऐसा कुछ मिल ही रहा है, और ये नंबर अभी बंद है। हत्या के वक्त इस सुनील दुबे का नंबर सृष्टि के घर वाले एरिया में भी एक्टिव था। तो ये सुनील दुबे वो छठा गेस्ट हो सकता है जो उस रात पार्टी में आने वाला? मुझे ये नंबर मंगोलपुरी के एड्रेस पर रजिस्टर्ड है, वर्मा को भेज दिया वहाँ। चेक करो सर। सिद्धार्थ के ड्राइवर सुनील दुबे के घर पे ताला था, हमने छानबीन की लेकिन कुछ मिला नहीं। तो पता करो सुनील दुबे कहाँ। ये सुनील दुबे मुझे किसी भी कीमत पर अंदर चाहिए।
सर, सिद्धार्थ के घर से जो लैपटॉप मिला था, क्योंकि उसमें प्रिया के कई सारे फोटोज और मूवी क्लिप्स हैं। लेकर प्रिया के एक एक्ट्रेस थी और इस तरह की मूवीज में काम करती थी। और सर, इस तरह की मूवीज ज्यादातर पोर्न साइट्स और वल्गर ओटीटी प्लेटफॉर्म से मिलती हैं। लेकिन इस तरह की मूवीज इलीगल तरीके से बनाई जाती है। तो हो सकता है सर ये सारे मर्डर्स इसी बिजनेस से जुड़े। लेकिन बिना किसी कारण के तो पता भी नहीं हिलता। फिर इस अपराध का कारण क्या था जिसने सबको हिलाकर रख दिया था? सिद्धार्थ का ड्राइवर सुनील दुबे और सृष्टि के एम्प्लॉय प्रधान गायब थे और पुलिस उस तीसरे शख्स की पहचान भी पता कर रही थी जिसने हत्याओं से कुछ वक्त पहले कमल के साथ मारपीट की थी। लेकिन सवाल यह था कि पुलिस किस तरह से गुनाह और गुनहगार को जीरो डाउन कर रही थी। आखिर उस पॉइंट ब्लैंक जीरो की सतह कहां थी और उस सतह पर बैठा अपराधी कौन था? उसकी सोच, उसकी समझ कैसी थी जिसने ऐसा भयंकर खूनी खेल खेला था? तेरी वजह से दर बदर भटक रहा हूं, अब मुझे तेरे बारे में नहीं मेरे बारे में सोचना। तो पता चला कि गौरव के फादर की एक मल्होत्रा टेक्सटाइल नाम से कंपनी थी और इसका एक करंट अकाउंट भी है। ये कंपनी तो काफी पहले बंद हो गई लेकिन इसका अकाउंट अभी भी एक्टिव है और पिछले एक साल से दो विदेशी कंपनियों से लगातार इसमें पैसा आ रहा है। ये देखिए सर, एक कंपनी का नाम है बड़ी मैन एक्स और दूसरी कंपनी का नाम है रॉ वाई। आप किस ट्रांजैक्शन की बात कर रहे हैं सर? मुझे किसी ट्रांजैक्शन के बारे में कुछ नहीं मालूम। आपको ये तो मालूम है ना कि आपके हस्बैंड के गुजरने के बाद उनकी कंपनी के मालकिन आप और गौरव बराबर के मालिक हैं। आपके पति की मल्होत्रा टेक्सटाइल बंद हो चुकी है तो उनकी कंपनी के करंट अकाउंट में इन दो विदेशी कंपनी से जो फंड्स आ रहे हैं, जो पैसा आ रहा है, किस बिजनेस का आ रहा है? ए कौन हो, कौन हो, कहां जा रहे हो, कहां जा रहे हो, कौन है? क्या बदतमीजी है, अंदर कैसे चला आया? बदतमीजी तो आप कर रहे हो सर। मैंने उस दिन आपको गाना सुनाया था, आपने वो गाना लिया, उसके बाद उसे रिलीज भी कर दिया और लिरिसिस्ट में अपना नाम डाल दिया। हम तो एक किससे बात कर रहे हैं तू? चोर से। मुझे चोर बोलता है? मुझे चोर बोलता है? चोर बोलता है? सर, मैंने सट्टे से जुड़े मामलों में हिस्ट्री शीटर की लिस्टिंग की थी और उनके फोटोज कमल की बीवी को दिखाए थे। कमल की बीवी ने इस शमी को आइडेंटिफाई किया है, इसी ने कमल के साथ मारपीट की थी, लेकिन अभी ये अंडरग्राउंड है। माना ये हिस्ट्री शीटर शमी इस वक्त अंडरग्राउंड है, पर राजवीर, इस पूरे केस में एक बात मुझे खटक रही है, वो ये कि कमल की बीवी ज्योत्सना ने बताया कि जिस रात कमल का कत्ल हुआ उस रात ये अपनी माँ के घर पर थी और सृष्टि के हस्बैंड कुश ने बताया कि वो चंडीगढ़ में था। दोनों का कत्ल की रात एक साथ गायब होना, ये महज इत्तफाक है या फिर ये कत्ल की रात दोनों एक साथ थे और दोनों मिलके हमें गुमराह कर रहे हैं? जरा पता कर। देव, माना जो हुआ वो सही नहीं हुआ, लेकिन तुम्हारा एक गाना चुराने से वो तुम्हारा टैलेंट नहीं चुरा लेगा। ऐसे टूटने से कुछ नहीं होगा देव, बोलो कुछ। ऐसे क्या कर रहे हो देव, होश में आओ। जो मेरे साथ हुआ उसका 1% भी नहीं हुआ तुम्हारे साथ। क्या मैं मरी? नहीं मरी ना, मैं जिंदा खड़ी हूँ तुम्हारे साथ। क्या हुआ तुम्हारे साथ? वही जो हर स्ट्रगलिंग एक्टर के साथ होता है। प्रोड्यूसर ने मुझे रोल देने के बहाने 6 महीने तक मॉलेस्ट किया। प्रधान, तुम खुद चल के यहाँ आ गए हो तो ये मत सोचना कि हमें लगेगा कि तुम बेगुनाह हो या तुमने कुछ नहीं किया। सर, अगर मैंने कुछ किया होता तो क्या मैं यहाँ आता? मैं जानता हूँ कि सृष्टि को ऐसा लगता था कि मेरी पोंजी स्कीम की वजह से कंपनी की इमेज बिगड़ी, कंपनी को घाटा हुआ, पर यह आइडिया मेरा नहीं था बल्कि यह आइडिया था सृष्टि के हस्बैंड कुश का। पर कुश इस तरह के आइडिया से अपनी कंपनी की इमेज खराब क्यों करेगा? लालच सर, और उसने इस गंदे काम में मुझे भी शामिल कर लिया। वो चाहता था कि सृष्टि को इस बारे में कुछ पता ही ना चले, लेकिन सर सृष्टि की नज़र मुझ पर पड़ चुकी थी सर। तुमने पूरे स्टाफ के सामने सृष्टि की बेइज्जती की थी, सबके सामने ये कहा था कि तुम्हारे और सृष्टि के बीच में जिस्मानी ताल्लुकात। सर, ये सब भी मैंने कुश के कहने पर ही किया था सर। वो चाहता था कि सृष्टि का मनोबल टूटे, उसका कंपनी में बोलबाला खत्म हो जाए और वो चाहता था कि वो खुद उस कंपनी में स्थापित हो जाए। सर, ये प्रधान कोई भी कहानी सुना रहा है और आप लोग उसका भरोसा कर रहे हैं? तो क्या तेरा भरोसा करें?
जिसने अपनी बीवी का भरोसा तोड़ा। जिस रात तेरी बीवी का कत्ल हुआ उस रात तो किसी और की बीवी के साथ चंडीगढ़ के एसपी स्काई होटल में गुच्छरे उड़ा रहा था। सर पूरी डिटेल निकलवा ली हमने, समझे? सर मैं मानती हूँ कि मेरा और कुश का अफेयर चल रहा था, पर सर मैं सच बोल रही हूँ, मेरा यकीन कीजिए, हमें पता तक नहीं था कि उस रात वो लोग पार्टी कर रहे थे। फिर अगली सुबह मुझे मेरे सर्वेंट से पता चला कि सृष्टि के साथ वो सारे के सारे मारे गए। गुनाह की इस कहानी में अब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का तड़का लग गया था। मोहब्बत और बेवफाई के किस्से अक्सर गुनाह को सनसनीखेज बना देते हैं, लेकिन प्रिया और उसकी फिल्मी दुनिया के वो भद्दे चलचित्र, उसकी कहानी क्या थी? उन विदेशी कंपनियों का इस गुनाह में क्या योगदान था? पुलिस ने काफी जद्दोजहद के बाद शमी का भी पता लगा लिया था, लेकिन शमी ने कुछ नहीं उगला और पॉर्न वीडियोस के बाद सट्टेबाजी का एंगल भी इस गुनाह का पैमाना बड़ा कर रहा था। वहीं पुलिस ने अब सिद्धार्थ के ड्राइवर सुनील दुबे का भी पता लगा लिया था। साहब हमने कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया था तो भागा क्यों था? उस रात को सिद्धार्थ साहब ने हमसे सिगरेट मंगवाई थी और साहब हम जब वहां सिगरेट लेकर पहुंचे तो साहब और हमें मालूम था कि अगर हम वहां पर रुकते तो आप हमें पकड़ लेते, इसीलिए साहब हम सिद्धार्थ साहब के घर चले गए और वहां पर गाड़ी खड़ी करके कपड़े बदल कर निकल गए वहां से। ये बता, सिद्धार्थ के साथ जो लड़की रहती थी प्रिया, वो कहाँ की रहने वाली थी? उसकी फैमिली कहाँ है? प्रिया मैडम की कोई फैमिली नहीं थी साहब, वो अनाथ थी। प्रिया के लैपटॉप में हमें कुछ अश्लील वीडियोज के क्लिप्स मिले, वो इस तरह की मूवीज में किन लोगों के साथ काम करती थी? प्रिया मैडम मॉडलिंग करती थी ये तो हमें पता है, लेकिन इससे ज्यादा कुछ और नहीं पता है साहब। अतरा साहब सिद्धार्थ वो क्या करता था? सिद्धार्थ साहब को संगीत का शौक था और वो गाना भी गाते थे, उन्होंने एक गाना भी बनाया था साहब जो वो हमेशा अपने दोस्तों के साथ मिलकर गाते थे। दुख दुख के तेरा दुख, दुख के बाद मिलेगा सुख। सर इस दुबे ने जिस गाने के बारे में बताया वो गाना पहले भी मैंने एक बार एक क्रिमिनल के मुंह से सुना हुआ है। कौन क्रिमिनल? कहना क्या चाहता? रोहित नाम था सर उसका, शाहदरा का रहने वाला था। उस वक्त मेरी पोस्टिंग शाहदरा थाने में ही थी। इस रोहित पर मर्डर का केस चल रहा था, जब मैंने उसको अरेस्ट किया तो यही गाना गुनगुना रहा था। वो लड़का इस गाने के बारे में कैसे जानता होगा? सर हो सकता है वो सिद्धार्थ या उसके दोस्तों को जानता हो। एक बार इस लड़के से मिलना पड़ेगा। सर वो दोनों विदेशी कंपनीज जो गौरव के फादर की कंपनी को फंड ट्रांसफर करती थी, विदेश मंत्रालय से उन कंपनी की डिटेल्स आई हैं। ये दोनों कंपनीज अलग अलग वल्गर ओटीटी प्लेटफॉर्म चलाती हैं और हमने पता किया सर, प्रिया की फिल्म इन दोनों कंपनीज की तरफ से इनसाइट्स पे डाली गई थी और इनसाइट्स पे इस तरह की कई और इंडियन फिल्म्स भी हैं। तो क्या गौरव और उसकी माँ इस तरह की फिल्म मेकिंग में इन्वॉल्व है? सर हम ऐसा काम नहीं करते। बस मैडम बहुत हो गए, अब जो भी सच है साफ साफ बता दीजिए। वो वीडियो क्लिप्स उन साइट्स पर जिस सर्वर के थ्रू अपलोड होते थे ना, उस सर्वर की डिटेल निकाली हमने, उस सर्वर का आईपी एड्रेस आपके बेटे। इस बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम सर। मैंने नहीं मारा, मैंने किसी को नहीं मारा। रोहित ये सिद्धार्थ है, जानते हो इसे? नहीं। तुम्हें याद है तुम एक गाना गाया करते थे, दुख दुख कितना दुख, दुख के बाद मिलेगा सुख, ऐसा सा कुछ? कहां सुना था ये गाना? डिवाइन बाबा, उसने उसने मारा मेरे पापा। डिवाइन बाबा? हाँ, ये गाना भी उसी का है। ये डिवाइन बाबा है कौन? छादरा में बहुत बड़ा आश्रम है सर उनका, और भक्त लोग दिगंबर बाबा को डिवाइन बाबा कहते हैं। तो उस डिवाइन बाबा को उस वक्त आप लोगों ने इन्वेस्टिगेट नहीं किया था? सर डिवाइन बाबा ऑलरेडी मर चुके थे तब, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि डिवाइन बाबा ने इसके फादर को मारा? डिवाइन बाबा मर चुके? ऐसे मर चुके हैं सर, लेकिन उनके भक्तों को लगता है कि वो मरे नहीं, समाधि में है, कभी भी वापस आ सकते हैं, इसलिए उनकी डेड बॉडी को अभी तक रखा हुआ है आश्रम के डीप फ्रीजर। बाबा बड़े प्यारे, बाबा बड़े न्यारे, बाबा की महिमा से बनते काम सारे, बोलो बाबा की जय। सर ये मनिंदर है, डिवाइन बाबा के बाद में यही आश्रम चला रहा है। मैंने इसकी हिस्ट्री खंगाली तो पता चला कि 5 साल पहले तक ये एक इलेक्ट्रिशियन हुआ करता था। अपने एक पार्टनर आलोक के साथ में इसकी एक इलेक्ट्रिक शॉप थी। आलोक और मनिंदर दोनों पर लूटपाट का एक केस भी दर्ज हुआ था, लेकिन दोनों ही जेल से जल्द ही बाहर हो गए। और सर ये आलोक है,
रिसेंटली भी इस पर कई केसेस दर्ज हुए हैं, लेकिन हर बार ये जमानत पे बाहर आ जाता है। और गौर करने वाली बात यह है सर कि ये अक्सर डिवाइन बाबा के आश्रम में देखा गया। बाबा जी के श्रृंगार में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। बढ़िया फूलमाला बना और बढ़िया सजावट का इंतजाम। रुकिए रुकिए, आप अंदर कहाँ चले आ रहे हैं? आपसे कुछ बात करनी थी। आने दो इन्हें। आपसे अकेले में कुछ बात करनी थी। जो बोलना है यहीं बोलो, क्या मसला है? मसला बहुत गंभीर है स्वामी जी, बहुत गंभीर। इन 5 लोगों के कत्ल हुए, पर इनमें ये जो लड़का है सिद्धार्थ, हमें इतना तो कंफर्म पता है कि सिद्धार्थ का इस आश्रम में आना जाना था। अब ये बताइए कि इन 5 के कत्ल का आश्रम से क्या कनेक्शन? क्या बकवास की जा रहे हो तुम? कत्ल का आश्रम से कनेक्शन? कोई सबूत है तुम्हारे पास? सबूत भी ले आएंगे। फिलहाल ये लड़का रोहित, इसका कहना है कि इसके फादर के कत्ल के पीछे आश्रम का हाथ है। इसका तो यहाँ तक कहना है कि इसके फादर के कत्ल के पीछे डिवाइन बाबा का हाथ। कुछ भी बकवास किए जा रहे हैं आप, बाबा जी समाधि में उनके विषय में कुछ भी बोले जा रहे हैं। देखिए, अगर आपने ऐसा कुछ भी किया ना तो भक्त चुप नहीं बैठेंगे। हमने कुछ कहा तो बहुत जोर का करंट लगेगा मोनो इलेक्ट्रिशियन। अब बाकी की चर्चा कहीं और करेंगे या यहीं आपके चरित्र का चीरफाड़ करें? चेक करो सर। सर ये देखिए, इतने सारे गैजेट्स, 3-3 लैपटॉप और इतने सारे फोन। क्या आलोक इतने सारे गैजेट्स के साथ करता क्या? सब कस्टडी में लो, हो सकता है इन गैजेट्स में उन्होंने अश्लील वीडियो से जुड़ा कंटेंट। कस्टडी में लो सर। सर सर मैंने उस टेम्पो की इन्फॉर्मेशन निकाली जिससे आलोक का एक्सीडेंट हुआ था। वो टेम्पो 2 दिन पहले चोरी हो गया था। टेम्पो के मालिक ने कंप्लेंट भी की थी। हो सकता है कंप्लेंट कोई साजिश हो। इस टेम्पो मालिक को इन्वेस्टिगेट करो। ओके सर। सर उन वीडियोस में जो लोकेशन थी उसमें से एक बंगले के बारे में मालूम चला है, वो शूटिंग के लिए किराए पर दिया जाता है। सर हम तो बहुतों को बंगला रेंट पे देते हैं, अब अंदर क्या शूट करते हैं हमें क्या मालूम। ये एक्ट्रेस यहाँ पर अक्सर शूट करती थी, इसे कभी देखा यहाँ पर? हाँ सर, ये एक्ट्रेस यहाँ आती थी काम करने के लिए। जिन लोगों के साथ ये शूट करती थी उनकी डिटेल चाहिए हमें। हाँ सर, ये विश्वकर्मा प्रोडक्शन के साथ ही काम करती थी, लेकिन 5-6 महीने से इन्होंने कोई शूट नहीं किया यहाँ। इस प्रोडक्शन हाउस का एड्रेस दीजिए। जी सर, ये सुंदर नगर है और दुबे आता था लोकेशन बुक करने के लिए। साहब हम तो वही करते थे जो सिद्धार्थ साहब हमें करने को कहते थे। तो तू ये सब सिद्धार्थ के कहने पर करता था, तो ये सब पहले क्यों नहीं बताया? सब वो कुश साहब ने मना किया था ना। काफ़ी टाइम पहले मेरी सृष्टि के दोस्तों के साथ मुलाकात हुई थी, उन्हें इन्वेस्टर्स की ज़रूरत थी। सर ये उनका आइडिया था कि इस तरह की अश्लील वीडियो बनाते हैं और उसे इंटरनेशनल मार्केट में बेचते हैं। मुझे इस काम में बहुत फ़ायदा नज़र आया तो मैंने फंडिंग करनी शुरू कर दी। अब चूंकि इंडिया में इस तरह की अश्लील फिल्में बनाना और बेचना बैन है, तो हमने इसके लिए गौरव के फादर की एक कंपनी थी जिसका करंट अकाउंट था, और वो कंपनी बंद हो चुकी थी तो हमने उसी करंट अकाउंट का इस्तेमाल किया। और इस सब में तुम्हारी बीवी सृष्टि भी इन्वॉल्व थी? नहीं सर, अगर उसे पता चलता तो वो हमें ये करने ही नहीं देती, लेकिन आखिरकार उसे एक दिन पता चल ही गया। पैसा कमाने के लिए इतना घिनौना काम किया, गंदी फिल्मों में पैसे लगाने लग गए, सब पता चल गया है मुझे। जिस काम में कमल की बीवी ज्योत्सना और गौरव की माँ, ये लोग भी इन्वॉल्व थे? नहीं सर, गौरव की माँ तो इन्वॉल्व नहीं थी, लेकिन ज्योति ज्योत्सना इन्वॉल्व थी। सर मैं मानता हूँ कि मैं इस तरह की अश्लील फिल्में बनाता था, लेकिन ये मर्डर वर्डर से मेरा कोई लेना देना नहीं है सर। सर आलोक के घर से मिले लैपटॉप का डेटा रिट्रीव किया है, उसमें फोन वीडियो से जुड़ा तो कुछ भी नहीं मिला है, बल्कि उसमें एक फोरम मिला है जिसमें कई लोग जुड़े हुए हैं, और इस फोरम के मैसेजेस बहुत चौंकाने वाले हैं सर। इस फोरम में जितने भी लोग हैं उनमें आपस में हेट मैसेजेस पास ऑन होते रहते हैं। ये दुनिया इन रईसों की नहीं है, इन्हें इनकी औकात दिखानी होगी। इसी तरह के हेट मैसेजेस भरे पड़े हैं सर, ऐसा लगता है जैसे इस फोरम के लोगों की रईस लोगों के साथ दुश्मनी है। इस फोरम से जितने भी लोग जुड़े हैं सबके IP एड्रेस ट्रेस करो। ओके सर।
उस फोरम से जुड़े लोगों के आईपी एड्रेस ट्रेस हो गए हैं और उनमें दो लोग ऐसे हैं जो आश्रम से जुड़े हैं। खड़े आप लोग। देव चलो मेरे साथ लगे जाए से पकड़ो ना। In the name of equality, कि वो हम जैसे गरीब और मिडिल क्लास लोगों के साथ जो जी में है वो कर सकते हैं। मैं एक्ट्रेस बनना चाहती थी सर, पर कई सारे प्रोड्यूसर्स ने मुझे मॉलेस्ट किया, मेरी मजबूरी का फायदा उठाया। मैं सॉन्ग राइटर बनना चाहता था और मेरे साथ भी कुछ मुंबई में हम कुछ नहीं कर पाए लोगों की वजह से, इसलिए मुंबई छोड़ के हम दिल्ली चले गए और डिवाइन बाबा के साथ जुड़ गए। लेकिन यहाँ हम साथ ही साथ ऐसे लोगों को अपने फोरम में जोड़ने लगे जो हमारी तरह अमीरों से सताए हुए थे। हमने एक संगठन बना लिया सर। आलोक को कैसे जानते हो तुम? आलोक और मनिंदर से हम आश्रम में मिले थे, वो भी अमीरों से चिढ़ते थे। आलोक का जिस टेम्पो से एक्सीडेंट हुआ था उस टेम्पो वाले को तुमने भेजा था? आप जब मनिंदर बाबा से आश्रम में मिल के गए तो हमें लगा कि आलोक हमारा राज खोल सकता है, उससे पहले कि वो अपना मुंह खोले हमने उसका मुंह बंद कर दिया। अच्छा ये डिवाइन बाबा की लाश को फ्रीजर में रखने के पीछे क्या कहानी है? बाबा को पता चल गया था कि मैं और मनिंदर आश्रम के आड़ में अमीरों को मार रहे थे, इसलिए वो हमें आश्रम से निकाल के जेल में डालना चाहते थे, इसलिए उन्हें मारना पड़ा। रोहित, रोहित के फादर को किसने मारा था? रोहित के फादर आश्रम से जुड़े हुए थे, उन्हें हम पे शक हो रहा था, उन्हें लग रहा था कि हमने डिवाइन बाबा के साथ कोई षड्यंत्र किया है, इससे पहले कि वो कुछ करे मैंने उन्हें मार दिया। रोहित ने मुझे डिवाइन बाबा के आश्रम में कई बार देखा था, वो मेरा शक्ल पहचानता था लेकिन नाम नहीं जानता था, इसलिए डिवाइन बाबा ये करता रहा। पहले तो सोचा कि मैं उसे मार दूं, लेकिन बाद में पता चला कि उसका दिमागी संतुलन ठीक नहीं है। मुझे पता था लोग उसकी बात पे भरोसा नहीं करेंगे। सृष्टि और उसके दोस्त उन्हें क्यों मारा? इसी नफरत से। सिद्धार्थ को अपने पैसों पे बहुत अकड़ थी, वो जब भी आश्रम में आता था देवर दिखाता था। मैंने सोच लिया तरह देव और शिल्पी द्वारा एक कट्टरवादी सोच की आधारशिला रख के एक हिंसक संगठन का निर्माण किया गया, ये अपने आप में चौंकाने वाला था। लेकिन ऐसे आपराधिक तत्व क्षण भर में नहीं पनपते, इनके पनपने के पीछे एक नहीं कई सारी दस्तकें छिपी होती हैं और मास किलिंग के कई अनसॉल्व केसेस सबसे बड़ी दस्तक थी जिसे पिछली जांच टीम भांप नहीं पाई थी। जब दिगंबर उर्फ डिवाइन बाबा का कत्ल हुआ, जब रोहित के पिता का कत्ल हुआ, यह गुनाह तब भी दस्तक दे रहा था, लेकिन देव और शिल्पी के द्वारा बनाए गए संगठन के मंसूबे पिछले 3 सालों से सामने ही नहीं आ पाए। ये कहीं ना कहीं सोचने पर मजबूर करता है, हम एक विचारशील देश के नागरिक हैं और हमारी संस्कृति हमेशा से हमें यह सिखाती आई है कि हमें हर मत और संप्रदाय के विचारों का सम्मान करना चाहिए, लेकिन वहीं हमें वैचारिक अतिवाद से भी हमेशा सतर्क रहना चाहिए। अब मैं आशुतोष राणा विदा लेता हूं आपसे, हम फिर मिलेंगे एक ऐसी ही कहानी के साथ जो आपको रखेगी सतर्क और जिंदगी को सुरक्षित। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए और देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।